प्रधान की ही जो गल हो रही है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तो यही चर्चा चल रही है कि जिहड़ियां बसां की जांच नूं लैके फाइलां सीगियां उहदा समझौता हो गया उसनूं लैके हुण अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग क्योंकि प्रधान भी और जिस तरीके नाल बोलना चाहिए उस तरीके नाल वह बेबाकी दे नाल बोलते हुए नहीं नज़र आते तो लगता जो प्रधान ही इस तरीके नाल सैलेंट होगा तो पार्टी के उत्ते भी असर पैंदा होया नज़र आता है फिर जाखड़ साहब चुप क्यों ने जिहड़ी सीनियर लीडरशिप है जिन्हां दी आवाज लोकां तक पहुंचनी है चुप है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज होए हुए है जिहड़ा सच्चा बंदा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करदा कदे भी वड्डे लोकां ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो मैं जिहड़ी चर्चा मैं थोड़ा जिहा कहता जी सुनील जाखड़ उहनां नूं लिख रहे ने कि तुसीं बीजेपी च मैं आस करदा कि तुसीं सफोकेटेड फील नहीं कर रहे होंगे वो आप सफोकेट कर रहे हों तो मैनूं पता नहीं पर सुनील दी वल्लों कितें वी मैनूं दिक्कत लगी संदीप जी की लगता है हूँ जे ये ट्वीट कर दिता है तो इस तू बाद हो सकता है तो कोई शो कॉज नोटिस भी भेज दें कि तुसी भेजो जी मैं कहता कोई उन्होंने सुनील जी के उत्ते प्रेस कोई सवाल किया मैं जवाब दिता जी मैं तो बस आई कहना चाहता भी डेफिनेटली सुनील जाखड़ जी जे मेरे चाचा जी भी है जी असली सीगे तो असली रहेंगे जी और कोई चिंता परंतु नहीं है कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे वल्लों कल सुनील जाखड़ उन्हां दी तारीफ की गई सी कहा सी कि ओह असली चौधरी हैं जिहड़े कि पहलवाना दे हक दे विच नतरे ने खड़े हुए नज़र आए ने तो हुण संदीप जाखड़ उन्हां ने उसी ट्वीट का जवाब अपने अंदाज नाल दिता है तो उन्होंने कहा है कि सुनील जाखड़ तो असली ने पर कुछ लोग अजिहे ने जिहड़े कि कॉम्प्रोमाइज़ करके बह चुके ने गलबात करदे आं साडे नाल संदीप जाखड़ उन्हीं फोन लाइन दे उत्ते जुड़ चुके ने जाखड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है जी सैटलमेंट करके और वो चुप होके बह गए नहीं देखो कोई डीकोड वाली कोई गल नहीं जी मैं तो आज सवेरे किसी ने मैं भेजी थी ते मैं तो बस आई कहना चाहता भी डेफिनेटली सुनील जाखड़ जी जेड़े मेरे चाचा जी भी है जी वो असली सीगे ते असली रहेंगे जी ओदे विच कोई किंतु परंतु नहीं है एंड दूजा उन्होंने कहा भी जेड़ा चल रहा वो मैं एक सुनील जाखड़ जी दी क्लिप भी शेयर की है जी सुनील जाखड़ जी ने बिलकुल गल कही है भी जेड़े ए रेसलर है उन्होंने कहा भी अपनी बेटियां है अपनी इज्जत है बेहतर तरीके मतलब सारा कुछ हो सकता सीगा उन्होंने आश्वासन दे के भी जेड़ी भी इन्वेस्टिगेशन होगी बिल्कुल फेयर होगी एंड बेहतर तरीके नाल किता जा सकता सी किथे ना किथे कोई अपनी बेटियां दी इज्जत ते कोई ठेस पहुंचदी अपने सारिया की इज्जत ठेस पहुंचती है एंड देखो दूजी मतलब बार बार लोगों के उत्ते प्रश्न चिन्ह पहली गल तो शायद उन्होंने पता ही नहीं होना भी जाखड़ साहब का ए स्टैंड सी एंड देखो बाकी खहरा साहब भी गल कर रहे है कुछ दिन पहले बरिंदर ढिलो जी ने भी गल की थी भी कुछ लोग क्यों नहीं मतलब खहरा साहब का कह कह के थगे भी ये जेड़े मुद्दे है क्यों नहीं उठाए जा रहे आम चर्चा मैनु नहीं पता की असलियत है की नहीं बिल्कुल बट आम ग्राउंड लेवल ते चर्चा है भी वड्डे लोकां ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो मैं जेड़ी चर्चा है मैं थोड़ा जा बिल्कुल और जिस तरह तुसीं जिक्र भी किया सुखपाल खहरा उन्होंने जिक्र किया बरिंदर ढिलोणा का किया थोड़े दिन पहला इंटरव्यू भी साडे नाल बरिंदर ढिलोणा ने की तो उन्होंने भी जिक्र यही सीगा कि चुप क्यों ने जिहड़ी सीनियर लीडरशिप है जिन्हां दी आवाज लोकां तक पहुंचनी है उही लीडरशिप चुप होके क्यों बैठी हुई है देखो जवाब सवाल तो आई जाने चुप है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज होए हुए है जिहड़ा सच्चा बंदा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कदे भी ठीक है सारिया ते सौ कमियां होंदी है लेकिन कॉम्प्रोमाइज इस करके मैं कहिंदा सुनील जाखड़ जी असली उन्होंने अपनी वैल्यूज दे उत्ते कदे कॉम्प्रोमाइज नहीं कीता मतलब कोई काम करदे आ गलतियां होंदी लेकिन आम बंदा जिवें तुसीं बरिंदर ढिलो जी दी गल कीती क्यों यूथ दे प्रधान भी है ते मतलब लोकां नाल जुड़े है खहरा साहब मतलब बार बार गल सवाल तां ही जांदा नहीं क्यों प्रधान की ही जो गल हो रही है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तो यही चर्चा चल रही है कि जिहड़ियां बसां की जांच नूं लैके फाइलां सीगियां उहदा समझौता हो गया उसनूं लैके हुण अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग क्योंकि प्रधान भी और जिस तरीके नाल बोलना चाहिए उस तरीके नाल वह बेबाकी दे नाल बोलते हुए नहीं नज़र आते तो लगता जो प्रधान ही इस तरीके नाल सैलेंट होगा तो पार्टी के उत्ते भी असर पैंदा होया नज़र आता है फिर जाखड़ साहब नहीं देखो मैं देखो गल है भी प्रश्न चिन्ह आ गए प्रश्न चिन्ह है लोगों के मन से सवाल है जी जेड़ी है आम चर्चा है जी जी
पर मैं वही मेरा मैं कह रहा कि लगता है कि पर प्रधान नु भी ये चीज़ां तो उपर उठ के और बेबाकी दे नाल जिस तरीके नाल ओपोजिशन दा काम होंदा है उस तरीके दे नाल लीड करना चाहिए। संदीप जी जिस तरीके नाल चीजां चल रही ने बहुते लीडर कांग्रेस दे जिहड़े वोकल ने उही कह रहे ने कि पोलिटिकल वेंडेटा हो रहा है पोलिटिकल वेंडेटा दे तहत कारवाइयां हो रही ने कल भी एक वड्डा कट होया तां किवें तुसीं ओवरऑल सारी चीजां नूं वेख रहे हो। नहीं देखो कल परसों जाखड़ साहब ने भी कहा सुनील जी ने भी आम आदमी पार्टी जे कोई गलत है डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए कोई भी हो किसी पार्टी का ही हो लेकिन ओनू लॉजिकल कंक्लूजन तक तो लेके जाओ ना मतलब इंजाम दे ला के छड़ देंगे जी कोई लोका दी मतलब कोई ओदे विच कोई तुहाडे कोले तथ्य हैगे ते पेश किया जाए कोई है तो ओनू लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी हो रही है ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਯਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਯਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਅ ਫੇਅਰ ਵੇ। जी और संदीप जी की लगता है हुण जे इह ट्वीट कर दिता है तां इस तों बाद हो सकदा है तुहानूं कोई शो कॉज नोटिस भी भेज देण कि तुसीं भेजो जी मैं कहिंदा कोई उहनां ने सुनील जी दे उत्ते प्रेस कोई सवाल कीता मैं जवाब दित्ता जी मतलब क्योंकि जिहड़ी सच्चाई है सामने आनी चाहीदी जदों उहनां ने अपना स्टैंड क्लीयर कीता होवे फिर बार बार क्यों इस टाइप दी गल्लां कर क्योंकि क्योंकि उहनां ने राजा वड़िंग ने इह वी जिक्र कीता मैं गलत की किया ट्वीट दे विच कोई मैं कोई ना कोई मैं बिल्कुल कोई बिल्कुल जिहड़ी सच्चाई है वो मैं सामने रखी है जिहड़े आम लोकां दे मन च जिहड़ी गल्ल है मैं रखी मैं किहड़ा कोई उहदे विच गल्ल क्योंकि उहनां ने इह वी जिक्र कीता कहिंदे होप यू डोंट फील सफोकेटेड इन बीजेपी तां इह चीज़ उह सुनील जाखड़ उहनां नूं लिख रहे ने कि तुसीं बीजेपी च मैं आस करदा कि तुसीं सफोकेटेड फील नहीं कर रहे होंगे क्यों सफोकेट फील कर रहे जी मतलब अपना काम कर रहे सुनील जी लोकां दी आवाज हुण भी उठा रहे है मैनू तो कोई सफोकेशन वाली गल लगी नहीं ओ आप सफोकेट कर रहे हुण तां मैनू पता नहीं पर सुनील जी वल्लों कितों वी मैनू दिक्कत लगी और संदीप जाखड़ दा ए जो ट्वीट है तां इहनां दे उत्ते जेकर कोई शो कॉज नोटिस भी हुंदा तां तुहानूं लगदा कि कोई इस दे विच गलत गल नहीं है। नहीं जे कोई मैं दे रही मैं जवाब दे रहा मैं तो कह रहा तुसी पढ़े लिखे हुए जी मैं ए कोई गलत गल कही है मैनू तो लग्या नहीं कोई गलत गल है जे कोई आऊगा नोटिस मैं जवाब दे दयागा जी तुहानूं भी लगता है कि ये चीजा हुईयां ने सैटलमेंटा कीतियां हुईयां ने लोकां ने सवाल तो है जी सवाल तो लोकां दे जिवें उहनां नूं लग रहा भी जे किसे नूं गुदन हो रही है तो लोकां नूं आ भी लग रहा भी कॉम्प्रोमाइज होए है लोकां ने अपने गोडे टेके है लोकां दे मन च है ठीक है संदीप जी धन्यवाद गल चर्चा जी आम चर्चा ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੀ। राइट संदीप जी धन्यवाद तमाम जानकारी दे विच सांझ पाउण दे लई और अपने विचार सांझे करन दे लई जी थैंक यू जी सत श्री अकाल जी थैंक यू। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।